बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल का दिन सऊदी अरब के हवाले से बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि कल सऊदी सिविल एविएशन की जानिब से सऊदी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के हवाले से अहम अनाउंसमेंट की जाएगी सऊदी सिविल एविएशन इदारों की जानिब से। जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी इंटरनेशनल फ्लाइट्स काफ़ी देर से बंद रही हैं, और फिर जब इनको खोला गया तो इनको भी मरहला वार खोला गया। मुल्कों का इंतखाब किया गया कि कौन से ममालिक की फ़्लाइट्स को खोलना है, कौन से ममालिक की फ़्लाइट्स को नहीं खोलना। इसके बाद फिर वीज़ों का इंतखाब हुआ कि कौन कौन से वीज़े वाले सऊदी अरब आ सकते हैं और कौन से वीज़े वाले सऊदी अरब नहीं आ सकते। ऐसा ज़िंदगी अपने पहले वाले मामूल की तरफ लौट रही है। और सऊदी हुकूमत ने तब ये ऐलान भी किया था कि 1 जनवरी से तमाम पाबंदियां ख़त्म कर दी जाएंगी, लेकिन इससे पहले यानी कि 1 जनवरी से 30 दिन पहले सऊदी हुकूमत ऐलान करेगी कि आया तमाम पाबंदियां ख़त्म हो रही हैं या फिर जुज़वी तौर पर ख़त्म की जाएंगी। तो इसी मुनासबत से कल 2 दिसंबर है और कल 1 जनवरी से 30 दिन पहले बनते हैं, तो इसी तरह कल देखते हैं कि सऊदी हुकूमत की तरफ से सऊदी वजारत खारजा या सिविल एविएशन या किसी भी इदारे की जानब से कौन से ऐलानात मुतवक्के हैं कि मुकम्मल तौर पर पाबंदियाँ ख़त्म हो रही हैं या फिर उनमें कोई मज़ीद तब्दीलियाँ हो रही हैं या फिर कोई नया कानून बनेगा। इस हवाले से तमाम मालूमात कल हकूमत की जानिब से मुतवक्के हैं। इंडिया की परवाज़ों के मुतालिक भी बंदिश का बड़ा मसला है, उस हवाले से भी ऐलान मुतवक्के है। और दीगर कई ममालिक के लिए भी सऊदी अरब की परवाज़ें शुरू नहीं हुई। इन तमाम मामलात के हवाले से कल की स्टेटमेंट से तमाम मामलात वाज़े हो जाएंगे। सऊदी अरब में मुस्तकबिल में सफरी आसानियां मजीद जो है वो सहूलियात और आसान हो जाएंगी। सऊदी अरब में अगर इंटरनेशनल परवाज़ों की पाबंदियां मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती हैं तो इस तरह मुसाफरों के लिए आसानियां और भी बढ़ जाएंगी और सफरी अखराजात में भी कमी वाकई हो जाएगी, क्योंकि अगर ज़्यादा मुल्कों से ज़्यादा परवाज़ें आएंगी तो किराए में भी कमी वाकई होगी और सफ़र की आसानियाँ और सहूलियात भी ज़्यादा होंगी। इसी हवाले से भी कल का दिन जो है वो इन तमाम मामलों के बारे में इंतहाई अहम है। देखते हैं कि सऊदी इदारे कल क्या ऐलान करते हैं। नाज़रीन किराम, कल देखते हैं कि गैर मुल्कियों के फ़ायदे के लिए क्या प्रेस रिलीज होती है। नाज़रीन किराम, कल मिलते हैं नई अपडेट के साथ और नई खुशखबरियों के साथ जो सऊदी अरब जो है गैर मुल्कियों के बारे में बताने जा रहा है। प्यारे नाज़रीन, कल की जो भी अनाउंसमेंट्स होंगी, अपडेट्स होंगी, खुशखबरियाँ होंगी गैर मुल्कियों के हवाले से इंशाल्लाह आपकी गुज़ारिश करेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, इन खुशखबरियों के साथ। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।